थैंक यू। आज मतलब हमेशा लगते हो, आज बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ये जो मतलब रेड कार्पेट पर आने के लिए इतना प्लान किया, क्योंकि बहुत वक्त दिया है आपने आज। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर प्लान किया है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अपने डेब्यू के बाद कोई अटेंड नहीं कर पाई थी कोई भी अवार्ड्स। सो ये मेरे बॉलीवुड में डेब्यू के बाद पहला अवार्ड फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। आई थिंक ब्लैक एंड वाइट इसलिए क्योंकि बहुत एलिगेंट लुक देता है। मैं ज़्यादातर कलरफुल चीज़ें काफ़ी डालती हूँ, तो कुछ चेंज के लिए पहले अवार्ड फंक्शन के लिए कुछ डिफरेंट हो जाए सोच के मैंने साहिल कोचर का ये आउटफिट डाला। यहाँ पे अपनापन इसलिए लगता है क्योंकि भाषा मेरी अपनी है, मैंने जिंदगी भर हिंदी में बात करी है, तो अचानक से कैमरे के सामने हिंदी में बात करने बहुत अच्छा लगता है। तब से मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो जो पहली फिल्म थी लव स्टोरी थी, लेकिन हम अब जब आपको देख रहे हैं बेबी में, तो वो जिस तरह से वो फिल्म का प्रोमो इतना ग्रेपिंग है, तो उसके बारे में बताइए। हमने पहले जब फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ था वहाँ पे जानने की भी कोशिश की थी कि बेबी क्या है, तो सबने सब कुछ कहा था लेकिन बेबी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो ये बेबी किसका है और क्या है, अगर वो भी बता देंगे तो आप पिक्चर क्या देखने आएंगे? तो एक बार आके देखिए बेबी क्या है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे ना प्रोमो और जो उसके अभी तक स्टिल्स रिलीज हुए हैं पिक्चर के, आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा कि बेबी क्या है। बट पूरी तरह से जानने के लिए एक बार आइए, नीरज पांडे की पिक्चर है अक्षय कुमार के साथ, ऐसे इजीली थोड़ी ना सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, काम करते हो कितना मजा है, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस था आपके लिए ये फिल्म? मैंने काफी इंटेंस फाइटिंग सीक्वेंस किया है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था, तो आपके लिए भी पहला एक्सपीरियंस होगा। मेरे को या फॉर दैट मैटर एनी फीमेल ऑन स्क्रीन इतना टेक्निकल फाइट करते हुए आप पहली बार देखोगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। यहाँ पे भाई यहाँ पे ले लो, यहाँ पे सबसे पहले तो जानना चाहिए आज की शाम आपके लिए किस तरह से खास है। वेल मेरे लिए बहुत खास है, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी होस्टिंग द रेड कार्पेट टुडे एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू बी एबल टू डू ऑल दीज फनी थिंग्स विद ऑल माय सेलेब फ्रेंड्स। तो मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि यू नो आई कैन गेट द बेस्ट पीस ऑफ गॉसिप आउट फ्रॉम देम, आई कैन फिगर आउट व्हाट दे आर वेयरिंग एंड आई हैव द लिबर्टी टू हैव एज मच फन विद देम टुनाइट एज पॉसिबल। वी गॉट रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स प्लान्ड आउट इनसाइड, सो या होपफुली एवरीवन्स गोना कम एंड हैव अ गुड टाइम। कुछ नहीं, बस डिसाइडिंग व्हाट questions to ask which celebrity, that's been my khas tayari for tonight, and I've made sure that I'm not going to spare anyone, so let's see. And yes, I'm going to be a bit of a fashion police as well, so we will be scoring all the celebs and what they're wearing on a scale of 1 to 10, so you will see it very soon. Exactly, aapka dress bhi kafi modernized aur fashionable lag raha hai, to uske bare mein batana chahiye kya? Well, I'm wearing this beautiful outfit given to me by Anamika Khanna and she's one of my favorite designers, so I'm very happy to be in it. And happy new year is near, to koi wishes ya koi aisa kuch resolution aapke? Well, I'd like to wish all the viewers a very happy new year. नहीं, मुझे खुद बहुत खुशी है और मैं आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ स्टारडस्ट एंड इट्स अ बिग बिग अवार्ड्स एंड इट्स अ रियली ह्यूज लेगेसी, सो आई एम रियली हैप्पी कि टेलीविजन एक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर स्क्रीन्स आर रिड्यूसिंग। आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले जो न्यूज़पेपर्स में खबर आई थी दलजीत और आपके सेपरेशन, वी विल नॉट आंसर दैट। मुझे बस यही लगता है कि जो बेस्ट हो वो विन करे। थैंक यू सो मच। सारे कैमरे आपके लिए निशा, ओके बराबर है। बोलिए खास। पहला अवार्ड फंक्शन है साल का, तो खास तो है ही, देखते हैं अभी कितना खास होता है अंदर जाकर। निशार, क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब हर साल अवार्ड्स होते हैं, एक साल की पूरी मेहनत होती है बॉलीवुड की और उन्हें इस तरह से सम्मानित किया जाता है, तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो जश्न मनाया जाता है उसके बारे में?
इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू सी कौन फेलिसिटेट होता है अपनी मेहनत के लिए. लेकिन स्टारडस्ट अवार्ड्स की स्टाइल ही अलग है, थोड़े अलग टाइप के अवार्ड्स हैं उनके, थोड़े इनकरेजिंग न्यू कमर्स को देने वाले जो अवार्ड्स होते हैं वैसे अवार्ड्स हैं इनके. तो आई एम हैप्पी कि मैं पहले अवार्ड फंक्शन में आया हूँ जो मतलब साल का पहला अवार्ड फंक्शन है वो स्टारडस्ट का अवार्ड फंक्शन है, बिकॉज यहाँ नए टैलेंट को इनकरेज किया जाता है. तुषार एक सवाल और है मेरा, आप लीन लग रहे हैं तो क्या बॉडी पे कुछ है, आप फिजिकल कुछ बताना? मैं तो मेहनत करता ही हूँ, आई होप ऐसा लग रहा हो आपको कि मैं लीन हो गया हूँ. नए साल के लिए ऐसा कोई खास प्लान नहीं है, बस मैं काम करते रहना है. दो फिल्में लगेंगी अगले साल, मस्ती ज्यादा एंड क्या कूल है हम 3, तो उनके उन पर मेहनत करनी है. आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट मीडिया के जरिए इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, जो नई गवर्नमेंट है वो भी बहुत मेहनत कर रही है. सो आई थिंक इट्स गोना टेक टाइम, बट वी आर टूवर्ड्स मेकिंग द राइट अमेंडमेंट्स एंड राइट चेंजेस इन आर लाइफ स्टाइल एंड इन द वे थिंग्स आर पुलिस्ड, द वे थिंग्स एंड द वे वुमेन आर गोना बी प्रोटेक्टेड. सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर अस. हाई, दिस इज तुषार एंड हियर इज विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू तुषार, थैंक यू. क्योंकि सबसे पहले जो सवाल मैंने आपसे आते ही पूछा, फिल्म की शूटिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी. अभी हमारा मैं क्या 80% भी फिनिश शूटिंग, 80-90% खत्म हो गया, सिर्फ 8 एक हफ्ता बाकी है. सो अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेट, और अभी 10 दिन में देखते हैं और क्या होगा. ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि माय गॉड फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस ये वो, बिकॉज द एंटायर क्रू एवरीबॉडी इज मेड मी सो कंफर्टेबल. तो देयर इज नो नर्वसनेस, आई एम जस्ट होपिंग वी नो दैट वी हैव डन अ गुड जॉब एंड इट विल बी अप्रिशिएटेड. कुणाल, इट्स बीन 2 इयर्स ऑफ निर्भया, रिसेंटली इन दिल्ली देयर वाज अनदर रेप केस. डू यू थिंक इंडिया इज अ सेफ प्लेस फॉर वुमेन? वेल every country is safe and unsafe to a certain level, but what happens is the justice after that, how fast it happens, how fast the prosecution takes place, how strict the verdict that's passed is passed, that's what's important. And I think that's where our courts need to go a little faster. The police generally does their job pretty fast, they catch the culprits in a pretty quick time, but then the courts take a slightly longer time, and I think the sentence should be stronger. That's what's needed. But like as a citizen of the country, aapko kya lagta hai jo logon ko badlav lana chahiye? Wo badlav yahan aayega na, logon ke yahan par aayega. I mean, how many cops can you have all over the country? That's what's important. Yeah? Director hai, jab wo actor acting karta hai to kya hota? First 2 days it was a little weird, but then he's really good at it, so it was fun. It was really good.